आप प्लीज एक नाम चेक करोगे, कर्मा वांगचुक। ओके। हाँ सॉरी, इस नाम का कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ नहीं है। आर यू श्योर? यो फिर से चेक करिए ना, कर्मा वांगचुक। कर्मा, एक्सक्यूज मी, आप कर्मा के? आप कर्मा को जानते हैं? मैं उसका फ्रेंड हूँ, कॉलेज फ्रेंड। मैंने उससे फोन करने की कोशिश की थी पर वो उठा नहीं रहा था। उससे कह देना कि रिहैब सेंटर की जो फीस है, 2 दिन में अगर डिपॉजिट नहीं हुई तो मजबूरन एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। कर्मा का एडमिशन? नहीं, उसका बड़ा भाई ड्रग्स ओवरडोज में पाया गया था, ट्रीटमेंट के लिए आया है। हाँ, मैं बता दूंगा। थैंक्स। तो कर्मा का भाई यहाँ पर है? यस, बेचारा कर्मा, छोटा भाई ऊपर है, बड़े भाई की पूरी ट्रीटमेंट संभाल रहा है। अपने फैमिली को भी नहीं बता सकता, बट आई एम ग्लैड टू नो कि इस वक्त में उसके दोस्त उससे सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कर्मा का भाई यहाँ पर? कभी कर्मा शायद कुछ नहीं कह रहा था कि मैंने क्या कर दिया, नाच मीना का सारा स्ट्रेस उस पर निकाल दिया। तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। धीरे बोलो, अगर अम्मी ने सुन लिया ना, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बाहर निकाल देगी। सॉरी, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। जाना तो होगा, लेकिन मैं अम्मी से कल परमिशन ले लूंगी और तुम यहाँ मेरे घर में कुछ दिनों के लिए रह सकते हो। थैंक यू सो मच। हुआ वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ क्या? अब क्या बताऊं तुम्हें, विष्णु ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और अब वो चाहता है कि मैं उसकी हर बात मानूं, उसके हिसाब से चलूं। उसकी नौकर तो नहीं हूं ना मैं। यू नो व्हाट इशिका, फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में शायद तुमने एक ब्रेव स्टेप उठाया है एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। सच्ची? हाँ सच। देखो अब तुम टेंशन मत लो, कल हम कुछ सोच लेंगे और कुछ अच्छा होगा। थैंक्स। अपने पैसे लेने के लिए तुम यहां तक पहुंच गए? कर्मा, I'm sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा, बिना जाने मैंने तुम्हें जज किया। कुछ देर पहले मुझे बैंक से मैसेज आया था, पैसे डिपॉजिट हो गए और जब यहां आया तो पता चला कि तुम नहीं, तुम्हारा भाई ड्रग्स। I'm really sorry. I hate this word. क्या मतलब है इसका? मैंने गलती की? I'm sorry. तुम्हें तकलीफ हुई? I'm sorry. Your life is in the dump. I'm sorry. कितना आसान है ना ये कहना? एक बार मेरी लाइफ जीकर देखो। सॉरी क्या? कुछ कह ही नहीं पाओगे। कर्मा, कर्मा। देखो यार, गलतियां सबसे होती है, तुमने भी कभी की होगी। यस, मैं मानता हूं कि डांस मीना का पूरा स्ट्रेस मैंने तुम पर निकाल दिया, बट देन आई गेस ये बात इतनी आगे बढ़ती नहीं अगर तुम ये बात पहले साफ साफ बता देते। साफ साफ बता देते? क्या साफ साफ बता देते? कि मेरा भाई ड्रग एडिक्ट है? क्या तुम ये किसी को कह पाओगे? देखो कर्मा, D3 नीड्स यू। इंपल्सिव होकर या गुस्से में आकर प्लीज कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे तुम्हारा या तुम्हारे भाई का फ्यूचर स्टेक पर हो। प्लीज डू थिंक ओवर इट। और हाँ भाई, क्या तुम्हारे भाई की रिहैब की फीस मैं पे कर सकता हूँ? नो थैंक्स, मैंने पैसों की अरेंजमेंट कर ली है। कहाँ से? तुमसे मतलब? अब मैं सारी घर की बातें अब तुम्हें बताता रहूं? नहीं यार, आई अंडरस्टैंड। नो स्वयं, यू डोंट अंडरस्टैंड।
मुझे ना ही तुम्हारा सिंपथी, ना ही ट्रस्ट और ना ही पैसों की जरूरत है। जस्ट गो टू हेल, पहाड़ में जाओ तुम सब। सुबह से मैं कहाँ चली गई थी? हुमा, मैं रोज सुबह सब्जी लेने जाती हूँ, तुम सोई रहती हो इसलिए तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? वो क्या ना, ऐसे ही मैंने सोचा कुछ अच्छी आदतें आपसे भी सीख लूं। सुनो, आज रात के लिए मैं हमसे बातें होंगी, तुम अभी यहां से निकल जाओ। हुमा, कौन है वहाँ? कोई नहीं अम्मी, ये तुम्हारे लिए। रियली? वाओ, इतनी सुंदर ड्रेस, बहुत महंगी होगी ना? फिर अम्मी इतना तो कर सकती है तेरे लिए। थैंक यू अम्मी। अच्छा हुमा, मैंने ना एक फिल्म की ऑडिशन के लिए बात की है, तुम जाओगी ना? हुमा देख, मना मत करना, ये वाली ड्रेस पहनकर चली जाना। ओके अम्मी, मैं जाऊंगी। खुश, अभी मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। ओके, आई हैव टू गो। चलो मैं तेरे लिए सैंडविच बनाती हूँ। अरे भाई, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है आजकल, हमें तो चाय भी टाइम से नहीं मिलती। लाती हूँ, शांति रखो। हुमा, वैसे कल रात को जो कुछ चल रहा था ना, मुझे सब पता है। Okay, 5, 6, 7, 8। एक सेकंड, गाइस गाइस, वापस करते, वापस करते। हुमा, टर्न लेफ्ट से, ओके? And 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. एक और बार करते हैं, ओके? ओके गाइस, चलो 5, 6, 7, 8. यार क्या, ये क्या क्या प्रैक्टिस करो यार गाइस, सीरियसली ये ऐसे होती है क्या प्रैक्टिस? विकी, ढंग से किक तो कर यार, बट तू कुछ कर ही नहीं रहा है। सिमी, क्या क्या कर क्या रही हो तू? प्लीज यार फोकस है, एनिल आई नो तेरे हाथ में लगी हुई है, बट प्लीज यार कुछ तो कर। हुमा, इज इट रियली दैट डिफिकल्ट लेफ्ट साइड से टर्न करना? जीत गया मैं ऐसे डांस में नहीं। स्वयं एक ब्रेक ले ले, आई गेस तुम और हम सब जानते हैं क्यों हो रहा है। यार अगर तू चाहता है तो हम लोग कर्मा को जाके सॉरी बोल देंगे, गलती वैसे भी हमारी है। हाँ, जरूरत पड़े तो कर भी लेंगे यार। कर्मा के साथ हमने बहुत गलत किया। इनफैक्ट प्लीज गाइस, यार उसके भाई के बारे में किसी को ना ही पता चले। एंड हुमा, तुमसे एक फेवर चाहिए, कॉलेज में भी जो उसके लिए रूमर्स है उसे क्लियर करने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स। चले पानी पियो, थोड़ा दिमाग ठंडा कर ले। Sorry guys, I just lost it. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये लास्ट डांसर की पोजीशन को कैसे फिल करे, कर्मा का नाम भी दे दिया। I really don't know. हाँ तो हम कर्मा को कॉल करके सॉरी बोल देते हैं ना? हाँ यार, हम बोल देंगे ना, सो सॉरी, प्रॉब्लम क्या है, मैं कॉल कर लेता। गाइस यार, बात सॉरी की नहीं है, बात टीम अंडरस्टैंडिंग की है। हम सब यहाँ इसलिए क्योंकि हम सबका पैशन एक है, डांस। वही एक चीज है जो हर रोज हमें यहाँ साथ लेके आती है। कर्मा से मैंने बात की, अब उसे डिसाइड करना है कि
वो यहाँ हर रोज इसी कमिटमेंट के साथ आना चाहता है या नहीं? कर्मा आना चाहता है, आज भी और हर रोज। I'm glad कि तुमने ये डिसीजन लिया। Really sorry कर्मा, गलती हमारी है। हाँ, हमने तुम्हें मिसजज किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना तुम्हारी फ्रेंडशिप चाहिए, ना ट्रस्ट, एंड डेफिनेटली नॉट योर सिंपथीज। मैं जानता हूं कि तुम सब मुझे कभी अपना नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम्हें प्लीज करना, दैट्स नॉट माई एम। मेरा बस एक ही गोल है, डांस मेनियन जीतना, और उसके लिए अगर तुम लोगों के साथ भी डांस करना हो तो मुझे वो भी मंजूर है। कर्मा इज नॉट हियर फॉर फ्रेंडशिप, लेकिन अगर डांस करना है तो कर्मा इज द मैन। प्रैक्टिस करें गाइस। ये साला भारी ठीक था। हाँ यार, सड़ो कहीं का। ओए गाइस, लेट्स गो। अच्छा, मैडम जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है, दिन भर एक ही सवारी लेके घूमते रहेंगे, जल्दी करो मैडम। शर्म नहीं आती, लड़की की हेल्प नहीं कर सकते हो, ठीक बकवास तो मत करो। नहीं नहीं, मैं दे दूंगी। मैं दे रहा हूँ, बाद में दूंगी। अरे क्या इतना है भी? क्या घर छोड़ने का इरादा है क्या? जब विष्णु जी ने स्वर्ग से निकाल दिया, कितनी है भी बैंक? मैं उठा लूंगी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इसी का सुनो, हेलो बैग बहुत हैवी है, मुझे दे दो, मैं उठा दूंगा। नहीं चाहिए थैंक्स। बट सॉरी, मैंने गलती से फोन उठा लिया, तो बात कर लो विष्णु ऐसा। हेलो वाशिका, तुम तो बहुत फास्ट निकली, सीधे घर से निकलते साथ अपने नए बॉयफ्रेंड के पास, सहू के पास। कि तुम्हारे और राघव के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तभी तो तुम वो डांस क्लास छोड़ना नहीं चाहती थी ना। पर रात को कहाँ थी? रघु के साथ, वहीं तो होगी ना, वरना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि इस शहर में आधी रात को अकेले निकल जाओ? शिका तुम इतनी कैरेक्टरलेस होगी ना, मैं सोच भी नहीं सकता था। सोच तो मैं नहीं सकती विष्णु, रात भर मैं बाहर रही और तुम मुझे अब फोन कर रहे हो। जब रात भर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो अभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुड बाय, हमेशा हमेशा के लिए। शिका तुम हे, क्या हुआ, तुम रो रही हो क्यों? शिका तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? शिका तुम किससे छुप रही हो? मुझसे? मुझे बताओ हुआ क्या, ये बैग्स, विष्णु का कॉल, क्या प्रॉब्लम क्या? फिर वही सर, शिका टेल मी नाउ। कुछ नहीं बताना मुझे, कुछ नहीं बताना।
आपका कूल डाउन और बताओ हुआ क्या? ने मुझ पे सबके सामने पानी डाला? अकेले में डालते हो अच्छा लगे। Shut up! How dare you? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। मैंने पानी इसलिए डाला ताकि तुम ठंडी हो जाओ, तुम तो और भड़क गई। अच्छा अच्छा ओके छोड़ो, मुझे बता हुआ क्या? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? नहीं बताना तुम्हें। तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो, तुम जिद पकड़ के बैठे हो कि मैं तुम्हें बताऊं उधर विष्णु चाहता है मैं डांस छोड़ दूं। क्यों छोड़ूं मैं डांस? मुझे डांस नहीं छोड़ना है, मुझे डांस करना है, भले उसके लिए मैं विष्णु को क्यों ना छोड़ दूं। क्या तुमने विष्णु को छोड़ दिया? तुम्हें किसने बताया? तुमने बताया अभी अभी गुस्से में। वेट वेट, हेलो भाई आप क्या देख रहे हैं? हाँ मैंने उसे भी छोड़ दिया और उसके घर को भी छोड़ दिया। अच्छा सॉरी। क्या भागा लोग? क्या तू हंस क्यों रहे हो? बात ही वैसी है, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने विष्णु को छोड़ दिया। दिन भर जो लड़की विष्णु का नाम जपती थी आज उसे छोड़ के आई है, दिल से बन गया। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। तुम सिर्फ दूसरों के प्रॉब्लम में हंस सकते हो, उसकी हेल्प नहीं कर सकते। गो टू हेल। गो टू हेल? अरे इशिका, अरे झांसी की रानी सुनती तो जाओ, क्या पूरे कॉलेज में ऐसे ही घूमोगी? गीला होके ये बैग पकड़ के रात से ऐसे ही लेकर घूम रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? What? तुम कल रात से बाहर हो, कहाँ थी कहाँ तू? और लिसन जी, नहीं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। वो तो दिख रहा है। मैं मानती हूँ मैंने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन थोड़ी बहुत दुनियादारी जानती हूँ मैं। मैं कल हुमा के साथ ही उसके घर पे छिप के उसके मम्मी पापा को पता नहीं था। ग्रेट, तो तुम ऐसे ही चोर की तरह उसके साथ रहोगी? बट आई हैव अ बेटर प्लान, मेरे घर आ जाओ, आई डोंट माइंड। क्या मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? इसलिए क्योंकि मेरी दीदा सिस्टर उसे कब से एक पेइंग गेस्ट की तलाश है, और तुम्हें घर की। एज द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्व। क्या मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रहूंगी? नहीं, मेरे घर में पड़ोसी के साथ रहोगी। नहीं नहीं, हुमा से बात हो गई है, वो आज अपनी मम्मी से परमिशन ले लेगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। ताली क्यों बजा रहे हो? तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं यार। एक ही रात में तुम कितनी बड़ी हो गई यार, सारे डिसीजन ले लिए। मतलब डोंट टच मी से, डोंट यू डेयर टू टच मी, यहाँ तक बन गए तुम। पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाके चेंज कर लो, क्लास का टाइम हो रहा है। देखो मैं जाओ जल्दी। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है कि इस हफ्ते आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके ओके बाय बाय। उमा तुम्हें अम्मी ने परमिशन दे दी क्या? अम्मी ने साफ मना कर दिया। वो क्या है कि मेरी चीची और उनकी फैमिली ना कुछ देर के लिए मेरे घर आ रही है, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पर अगर तुम चाहो तो मेरे घर में छुपकर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं हुमा, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, कुछ दिन के लिए कोई सस्ते से होटल में जाकर रह लूंगी। मैडम सस्ते होटल में काम भी सस्ता होता है, रिस्क क्यों लेना चाहते? तुम उसे क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम घर छोड़ के बाहर निकली है ना, किसी को तो पर्सपेक्टिव देना चाहिए। हमारा वो पीजी वाला ऑप्शन अभी भी ओपन है क्या? वाह, पहले मैंने पूछा तो बिल्कुल नहीं, अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो वापस मुझे पूछ रही हो। सॉरी नॉट अवेलेबल। राघव यार ये वैसे भी परेशान है, इसे और क्यों हैरेस कर रहे हो तुम? ना भी भाव मत खाओ यार। इतना भाव तो बनता है, चल हो जाएगा। बट हाँ आई एम रियली सॉरी बट फ्री में नहीं हो सकता, बट जो पैसे की बात वगैरह है वो दीदा से कर लो। अब तुम्हारे वो दादाजी भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं क्या? हाँ हमारे साथ ही रहते हैं, बट डोंट वरी, उनका जो प्यार है ना उसे फैमिली मेंबर्स के लिए बचा के रखते हैं, गेस्ट के लिए। ये
शाम को एक साथ चलते हैं। ये गर्ल समझ में नहीं आता है, ये लड़का इरिटेटिंग है या अच्छा है। I think he likes you. Yeah? मैं तो मजाक कर रही हूँ। Just kidding. Let's go.